दोस्तों, हिंदू धर्म में चार वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र हिंदू धर्म के पावन धर्म ग्रंथ माने गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BBC कोटाबाग में और आपके साथ मैं हूं सुभाष भारद्वाज कोटाबाग से। और मैं इस वीडियो में हिंदू धर्म से जुड़े चार वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों के क्या क्या नाम होते हैं इस टॉपिक पर बात करने वाला मित्रों, सबसे पहले चार वेदों के नाम जानते हैं। इनमें से पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अब 18 पुराणों के नामों के बारे में बात करते हैं। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा वायु पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण। इसके बाद आठवां अग्नि पुराण, नवां भविष्य पुराण, दसवां ब्रह्म वैवर्त पुराण, ग्यारहवां लिंग पुराण, बारहवां बराह पुराण, तेरहवां स्कंद पुराण, चौदहवां वामन पुराण, पंद्रहवां कूर्म पुराण, सोलहवां मत्स्य पुराण, सत्रहवां गरुड़ पुराण और अठारहवां ब्रह्मांड पुराण। मित्रों, अब बात करते हैं हिंदू धर्म के 6 शास्त्रों की। हिंदू धर्म के 6 शास्त्र 6 दर्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला न्याय, दूसरा वैश्विक, तीसरा सांख्य, चौथा योग, पांचवा मीमांसा और छठा वेदांत। मित्रों, हिंदू धर्म में वेदांगों की संख्या भी 6 है, जिन्हें कभी कभी 6 शास्त्र भी कह दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो व्यापक अर्थ में इन्हें शास्त्र कह भी सकते हैं। ये 6 वेदांग इस प्रकार हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। मित्रों, इसके साथ ही हिंदू धर्म में उपनिषदों का भी विशेष महत्व है। हालांकि उपनिषदों की निश्चित संख्या कितनी है इसके विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान उपनिषदों की संख्या 108 मानते हैं और कुछ इनकी संख्या 200 मानते हैं, किंतु जो मुख्य उपनिषद हैं उनकी संख्या 10 मानी गई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला ईश उपनिषद, दूसरा केन उपनिषद, तीसरा कठ उपनिषद, चौथा प्रश्न उपनिषद, पांचवा मुंडको उपनिषद, छठा मांडुक्य उपनिषद, सातवां तैतरीय उपनिषद, आठवां ऐतरेय उपनिषद, नौवां छंदोग्य उपनिषद और दसवां बृहदारण्यक उपनिषद। मित्रों, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इन्हीं में से पांचवा उपनिषद मुंडको उपनिषद में से लिया गया है। मित्रों, 108 उपनिषदों की संख्या को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। ऋग्वेदी 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेदी 19 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेदी 32 उपनिषद, सामवेदी 16 उपनिषद और अथर्ववेदी 31 उपनिषद। इन संख्याओं को जोड़कर 108 उपनिषद हो जाते हैं। तो मित्रों, यह थी हमारे YouTube चैनल BBC कोटाबाग पर हिंदू धर्म से जुड़े 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल BBC कोटाबाग को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज कोटाबाग से। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।